बच्चों कैसे हैं? सब ठीक? वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जी, आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बायो मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन दे दिया और पिछले क्लास में हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन भी किया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो मैंने बताया था जो इनिशियली कार्बोहाइड्रेट का क्लासिकल क्या दिया था, डिफिनेशन क्या दिया गया था, जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विच सेटिस्फाई द फॉर्मूला ऑफ CH2 होल वाइज Y। लेकिन ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, जो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, वो उस पर जरूरी नहीं है जिसको सेटिस्फाई ही करें उस क्राइटेरिया को। बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन थे जिन्होंने उस क्राइटेरिया को फुलफिल एकदम पूरी तरह से किया, बट कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट थे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, उस जनरल फॉर्मूला पे फिट नहीं हुए। एंड कुछ ऐसे एक्स्ट्रा अलग कंपाउंड भी थे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल तो किए लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या दिया, देखा था एसिटिक एसिड को दिखा था हम लोगों ने, है ना बच्चों? और उसके बाद फिर क्या आया, उसको कुछ मॉडिफाई किया गया जो वो तो उस क्राइटेरिया पे फिल नहीं हुआ, तो फिर मॉडर्न क्लास में डेफिनेशन आया। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या दिया था, मॉडर्न डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था क्या? तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या था, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मॉलिक्यूल, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और या कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा कंपाउंड जो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का, या ऐसे कंपाउंड जो इस टाइप के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो है सो ग्रीक नेम क्या है, सैक्रॉन। सैक्रॉन मीन्स क्या होता है, शुगर यानी मीठा, ठीक है। तो इस सैकराइड के आधार पे क्लासिफिकेशन उसको किया गया। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। किस टाइप पे हाइड्रो, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करने पर उससे, उसको हाइड्रोलाइसिस करने पर उसके कितने एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल बनते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या बोल सकते हैं कितने मोनोसैकेराइड कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे इसको हाइड्रोलाइसिस किया गया। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं समझा देती हूँ उसके बाद मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस द हाउ मेनी मोनोसैकेराइड और हाउ मेनी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच ऑब्टेन, ये डिवाइड किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। तो इसको क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, पहला क्या था मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड एंड तीसरा क्या था पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड को अगर उसको हाइड्रोलाइसिस भी किया गया तो फर्दर उसको कितना भी हाइड्रोलाइसिस किया गया वो टूटा नहीं किसी भी, बस एक ही वो सिंगल एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर बना हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन का है, तो उसको कितना भी हाइड्रोलाइसिस किया गया कोई अलग अरे ये मॉलिक्यूल नहीं बना, ठीक है। उसके बाद आगे ओलिगोसैकेराइड्स, 2 से लेके 10 तक अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 से लेके 10 तक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन होते हैं उसको हाइड्रोलाइसिस करने पे, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, ओलिगोसैकेराइड्स। अगर 2 हुआ तो डाइसैकेराइड्स, 3 हुआ ट्राइसैकेराइड्स, 4 टेट्रासैकेराइड, ठीक है, 5 पेंटासैकेराइड, ऐसे ही डेकासैकेराइड तक 10 तक आ गया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया पॉलीसैकेराइड, यानी 10 से ज़्यादा उसको अगर हाइड्रोलाइसिस किया तो चेन में मिलता है, जैसे स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। जनरली कार्बोहाइड्रेट पहले ही बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्रीक सब सैक्रोन से लिया गया है, सैक्रोन मीन्स क्या होता है, शुगर मीठा। तो जनरली जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। बट पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उसका टेस्ट मीठा नहीं होता है, इसलिए इसको नन शुगर भी कहते हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग लिख के देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द
द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वी फॉर्म, कितने हम लोग हाइड्रो मतलब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करने पर, ऑन द बेसिस किस पे दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन किया गया, तो कितने यूनिट कितनी क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है उसके आधार पे क्या किया गया इसको क्लासिफाई किया गया। तो किसके कितने टाइप में, थ्री टाइप, क्या है, पहला मोनोसेक्राइड्स, दूसरा ओलिगोसेक्राइड्स एंड तीसरा पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड ही ओलिगोसेक्राइड को फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट में, 10 नहीं बोल सकते 9 पार्ट में, ठीक है। पहला तो मोनोसेक्राइड वन यूनिट एंड अगर 2 से लेकर 10 यूनिट्स में अगर हमें क्या मिले पॉलीसेक्राइड्स यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का यूनिट मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग ओलिगोसेक्राइड के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। अगर 2 यूनिट मिले तो क्या मिल क्या होता है बच्चों, तो हो गया डाइसेक्राइड्स, 3 यूनिट आया तो ट्राइसेक्राइड, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना, ऑनियो एंड डेकासेक्राइड्स इतने प्राप्त होते हैं। अगर उसके ऊपर यानी 10 से ज्यादा यूनिट्स मिले हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का तो क्या हो जाएगा, तो वो आ जाता है किसमें, वो आ जाता है आपका पॉलीसेक्राइड्स में। चलिए ठीक है, अब इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन दे रहे हैं किसका, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स का क्या डिफिनेशन है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसको कितना भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये सिंपलर कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होगा, ये नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा या नया एल्डिहाइड या कीटोन वन यूनिट से ज़्यादा देगा ही नहीं। जैसे इसका ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ग्लूकोज, ग्लूकोज को किसी भी एंगल से हाइड्रोलाइज करेंगे ये एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कोई यूनिट देगा नहीं, इसको कितना भी हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया मोनोसेक्राइड्स का, अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स पे। चले चलिए इसका डिफिनेशन दे देती हूँ मैं, मोनोसेक्राइड आ गया, मोनोसेक्राइड का तो क्या हुआ हाइड्रोलाइसिस करने पर भी वो क्या होता है किसी यूनिट में टूटेगा नहीं क्योंकि उसके पास है ही नहीं, सिर्फ सिंगल यूनिट और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड क्या होता है कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10, 2 से लेके कितना तक 10 मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब क्या, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन जो सिर्फ एक ही यूनिट का, जिसमें सिर्फ ओनली वन यूनिट एल्डिहाइड या कीटोन हो तो मोनोसेक्राइड्स। और जब ओलिगोसेक्राइड को मतलब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा उसमें 2 से लेके 10 तक के बीच में क्या होगा मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो अगर 2 मिले तो डाइसेक्राइड, तो 3 मिले तो ट्राइसेक्राइड, 3-4 मिले तो टेट्रासेक्राइड, ऐसे जैसे जैसे उसको हाइड्रोलाइसिस करने पे जितने ज़्यादा 1 to 10 के बीच में 2 to 10 के बीच में जितने मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे उस हिसाब से उसका क्या किया जाता है नेमिंग किया जाता है, ठीक। एंड सबसे कॉमन मीन होता है ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आप देखिए दोनों का क्या है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का क्या है इसका ब्लड फॉर्मूला सेम है C6H12O6। तो दोनों क्या है ये अलग कैसे होंगे तो देखिए जहाँ प्लस लिखा है डी प्लस यानी क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव है एंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और जहाँ डी माइनस लिखा है डेक्सट्रोरोटेटरी यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सबसे मेन पॉइंट यही था हर कार्बोहाइड्रेट में ये क्या होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड में सबसे कॉमन क्या है डाइसेक्राइड्स और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बच्चों यहाँ सुक्रोज जिससे जिसको हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स पे उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एंड पॉलीसेक्राइड का क्या हुआ जिसको हाइड्रोलाइज करने पे लार्ज यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या है पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइसिस।
इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिला, लार्ज यूनिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, स्टार्च हो गया, देखिए एक यूनिट से बढ़ता अगर उसको किया जाए, हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो यूनिट पे यूनिट यूनिट पे यूनिट मिलता जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया किसका, कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड वी फॉर्म मोनोसेक्राइड्स। After hydrolysis the carbohydrate, we found how many monosaccharides. Monosaccharides in the sense जो monosaccharides ऐसे हैं जिसको क्या क्या hydrolyze करने पर भी further उसका क्या नहीं होगा, ये unit में वो break नहीं करेगा, उसके पास सिर्फ one unit होता है। तो इसलिए जब भी ये breakable होगा तो एक unit monosaccharide, दूसरा unit monosaccharide and monosaccharides में या तो aldehyde रहेगा या ketone होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे monosaccharides कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कितना यूनिट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हम ऑब्टेन करते हैं उस बेसिस पे पढ़े। तो क्या कितने पार्ट में डिवाइड किए थे हम लोगों ने, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्या पहला था मोनोसेक्राइड्स, दूसरा क्या था ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स के अंतर्गत क्या होता है, जो 2 से लेकर 10 यूनिट तक आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ये 2 से लेकर 10 यूनिट तक क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या बोल सकते हैं मोनोसेक्राइड्स मिले तो वो क्या होता है, ऑलिगोसेक्राइड्स। अगर 2 यूनिट मिले तो डाइसेक्राइड, 3 यूनिट मिले ट्राइसेक्राइड, अगर 4 तो टेट्रा, 5 ऐसे ही करके डेकासेक्राइड तक मिलता है। एंड अगर 10 यूनिट से ज़्यादा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द कार्बोहाइड्रेट, अगर 10 यूनिट से ज़्यादा मिले तो किस में आ जाता है, पॉलीसेक्राइड्स में आता है। सेक्राइड्स क्या था, कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स भी बोला जाता है, क्यों, तो ये चूंकि ये ग्रीक वर्ड लिया गया सेक्रॉन से, सेक्रॉन मीन्स क्या होता है, शुगर यानी मीठा। तो ऑलमोस्ट लगभग जितने हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका टेस्ट कितना कैसा होता है, मीठा होता है। बट पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका टेस्ट मीठा नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन शुगर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ग्लूकोज पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ही ओलिगोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो मैंने जो पढ़ाया आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मन लगा के पढ़िएगा। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स के बीच में इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।